आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। होली व शब बारात पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला अधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने शांति सद्भावना समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। कहा, त्योहार में खलल डालने वाले अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत की जाएगी कार्यवाही। अपने द्वारा कहे प्रत्याशी को वोट न देने पर मारने पीटने वाले 25-25 हजार के इनामी 3 अभियुक्तों को गीडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीओ कैंपियर गंज ने किया खुलासा। जनपद में नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर एडीएम सिटी ने केंद्र व्यवस्थापकों के साथ की बैठक। कहा, बोर्ड परीक्षा की सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी निगरानी। गोरखपुर में सोमवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 226। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। आगामी होली एवं शबे बारात त्योहार तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा के मार्ग की व्यवस्था एवं सुरक्षा का जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने लिया जायजा। कहा, त्योहारों के दौरान रहें सतर्क, बाहरी या अनजान व्यक्ति कोई संपर्क में आता है तो तुरंत करें प्रशासन को खबर। मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया रंगभरी एकादशी महोत्सव। विधि विधान से किया गया भगवान गणेश, कार्तिक, भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी का श्रृंगार एवं पूजन। चोरी हुए टेम्पो के साथ 2 शातिर चोर को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सेंट्रल न्यूज कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में निकाली गई यातायात जागरूकता रैली। प्रचार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। रैली के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा की दी गई जानकारी। मिस्टर एंड मिसेज नॉर्थ इंडिया 2022 प्रतियोगिता के आखिरी ऑडिशन का एक निजी जिम में किया गया आयोजन। 40 से अधिक प्रतिभागियों ने दिखाया अपना जलवा। कहा, इस शो के माध्यम से युवाओं को मिलेगा एक अच्छा स्कोप। बीआईएस कंपनी के गार्डों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 10 महीनों के बकाया वेतन दिलाए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग।